अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस ऑडियंस, कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन एमआर सेक्टर Y4 पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। आप मेरे रुख में देख सकते हैं मुस्तफ़ा बिजनेस सेंटर। तो इस वक्त ये जिस मेन रोड पे मैं मौजूद हूँ, ये 150 फीट डबल रोड है और बहुत ही नियरेस्ट है ड्रीम वर्ल्ड के। लोकेशन बहुत ईजी है, आइए अंदर चलते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। और रिजवान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दुआएं आपकी, खैर खैरियत से ठीक ठाक है। और आप बताएं कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, क्या चल रहा है के हवाले से? बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं। मुस्तफ़ा बिजनेस सेंटर इस प्रोजेक्ट का नाम है। बिजनेस सेंटर इसका जो लिंक है बेसिकली, वो इस वक्त मेवाड़ के अंदर ये पहला बिजनेस सेंटर लॉन्च करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सिर्फ ऑफिस, मोबाइल शॉप्स और शोरूम्स अवेलेबल हैं। हमने इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता भी दिखा भी देता हूँ। जी बिल्कुल, देखें इसके अंदर जो है, अब बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर हमने रखी है पार्किंग, और हमने इसके अंदर रखा है एक लोअर ग्राउंड एक अपर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड अपर ग्राउंड को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं आपको कि लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड के अंदर क्या है। जैसे अगर आपका गुजर हुआ हो फारिया मोबाइल मॉल, लेकिन जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो फारिया मोबाइल मॉल के अंदर जब जाते हैं हम गुलशन के अंदर, तो पहले वो रोड से ऑलमोस्ट 5 फीट नीचे जाता है और 5 फीट ऊपर जाता है। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे कि लोअर ग्राउंड के अंदर हमने रखी है कोई ऑलमोस्ट 30 शॉप्स, जिसके अंदर आपके फ्रंट के ऊपर 2 आपके शोरूम्स भी हैं इसके अंदर। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मोबाइल शॉप्स के साइजेस होते हैं वो हैं। इसके बाद अपर ग्राउंड के अंदर अगर हम आते हैं, तो अपर ग्राउंड के अंदर हमारे पास है टोटली शोरूम्स। इस शोरूम्स के अंदर हमारे पास 5 शोरूम्स हैं, जिनका साइजेस ऑलमोस्ट आप ये कह लीजिए कि 872 स्क्वायर फिट के अंदर भी हैं, 861, जो कि ऑलमोस्ट बड़े साइज के हैं, जो कि डेप्थ के अंदर 60 फिट है। इसके अलावा 13.4 की फिट इसकी फ्रंट की है, जो कि नॉर्मल साइज से बड़ा है। अच्छा। अमूमन जो नॉर्मल साइज होता है वो 10 फिट 11 फिट ये होता है। तो ये एक शोरूम्स हैं, इसके अंदर हमारे पास ऊपर जो है वो 5 फ्लोर्स के अंदर हमने दिए हैं ऑफिसेस। अच्छा, इसका फर्स्ट फ्लोर बेसिकली, माजर मैं आपको एक चीज़ और, फर्स्ट फ्लोर के अंदर हमारे पास है इसके, आप ये कह लीजिए कि हम शोरूम्स वालों को अमूमन जरूरत होती है ऊपर वाले फ्लोर के अंदर। फर्स्ट फ्लोर हमने दिया उसका टेस्ट, जिसके अंदर हम उसको अंदर से भी रास्ता देंगे कि आप अंदर से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो एक अलग है। उसके अंदर आपके बनेंगे, आप ये कह लीजिए कि लाइक शोरूम आपने कोई सा भी दिखाओ, इस वक्त जो कोई भी ब्रांड अगर अपना शोरूम खोलता है तो नीचे आउटलेट्स के अंदर अपनी लाइक मेंस वुमेंस की आर्टिकल्स रखते हैं, ऊपर किड्स के, और इसी तरह अगर लैब के थ्रू अंदर चले जाते हैं, कोई लैब है कोई भी, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर। मेडिकल फील्ड के लोग भी आ सकते हैं, लैब से रिलेटेड आए इसके अंदर, आपके शोरूम्स आ सकते हैं, आपके जो कह लीजिए कि शूज वाले हैं, क्लॉथ मार्केट्स वाले हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए। उसके बाद आते थे हमारे पास टोटल ऑफिस है। ऑफिस के अंदर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी, आप ये कह लीजिए कि एक फ्लोर पे हमने बनाए अराउंड 10 ऑफिस। अच्छा। 10 ऑफिस हैं, जिसके अंदर फ्रंट साइड है और बैक साइड है। बैक साइड पे निकाले हमने 4 ऑफिस और फ्रंट साइड पे हमने रखे हैं 6 ऑफिस। जो 6 ऑफिस हैं उनके 6 ऑफिस के साइजेस बड़े हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बेनिफिट है ऑफिस वगैरह, जो कमर्शियल बेसिकली बनाने का मकसद है, बिजनेस सेंटर जो बिजनेस सेंटर बनता है उसके अंदर आपको पता है एलिवेशन के अंदर सबसे ज्यादा बहुत की सेट पॉइंट होता है। हमारी एलिवेशन इंशाल्लाह टोटली ग्लासी है, ग्लास एलिवेशन के अंदर आएगा। कोई टोटल यहाँ पे अभी तक मेमार में इस टाइप का कोई भी बिल्डिंग नहीं है। अच्छा। तो जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके अलावा इसमें आप ये कह लेंगे 2 पैसेंजर लिफ्ट हैं, इसके अलावा बेसमेंट में पार्किंग है, स्टेयर्स हैं, जो कि बेसिक नेसेसिटीज हैं वो अवेलेबल है इसके अंदर। और इसके अलावा चीज़ें बहुत सारी हैं, आपको इसके मैं साइट भी विजिट करा देता हूँ, आप उसके साइट भी देख लीजिए। हमारा जो है ये बेसिकली रोड आप देख रहे हैं, ये मेन रोड है, ये तकरीबन 150 फीट का रोड है, और इसके अंदर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, देखिए रिजवान भाई यहाँ पे भी हम मौजूद हैं, ये मेन रोड है, ये मेन रोड जो है आपका 150 फीट रोड है, ये बेसिकली अजवा होटल से आ रहा है, जो कि आप ये कह रहे हैं स्वाद बेकरी है, इधर से ये सीधा रोड जा रहा है आर ब्लॉक के लिए, आर और क्यू के लिए। यहाँ से जाते हुए अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, और लेकिन जो हमारी बिल्डिंग बन रही है वो बिल्डिंग हमारी है वो बैक साइड पे इसके, जो कि मैं आपको लेके चलता हूँ इस तरफ से, आइए ठीक, आइए इधर आइए। ये हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अजीज यहीं पे अभी हमें अगस्त के एंड के अंदर
इंशाल्लाह लजी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे 680 स्क्वायर यार्ड के ऊपर जो है ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्लॉट है, इसके अंदर आपके यहाँ पे सारी चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं। यहाँ पे एक पार्क हाइट भी है जो कि हमारे पास बिल्कुल यही भाद्राबाद बिल्डर्स का ही है, और भाद्राबाद बिल्डर्स ही यहाँ पे ये बना रहे हैं। अच्छा जी, मुस्तफ़ा बिजनेस सेंटर। और यहाँ सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पार्क हैं, बहुत आपकी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम इसमें यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे लेट सपोज आपको आरओ प्लांट, स्टैंड बाय जनरेटर, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी इसके अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अच्छी चीज़ आपके सामने मिलेगी। और ये पहला आप इसको बिजनेस सेंटर कहने का मकसद ये है कि टोटली यहाँ पे इसके अंदर ऑफिसेज वगैरह रहेंगे जिसमें कमर्शियली काम होगा सारा। कोई ऐसा नहीं है कि जो रेजिडेंशियल लोगों को प्रॉब्लम होती है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मेमार वाले लोगों को है वो ये रहता है कि जी ऑफिसेज दूर हैं, या बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो उनके अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी चीज़ें बहुत दूर होती हैं, उनको यहाँ ऑफिसेज की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपना एक ऑफिस यहाँ बनाएंगे और सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं कि चीज़ें सबसे ज़्यादा व्यू मैटर करता है, आपका मैटर जो बेसिकली व्यू कर रहा है, आपको फ्रंट साइड पे बिल्कुल यहाँ पे रोड वगैरह अवेलेबल है। तो ये है कि होपफुली इंशाल्लाह कि बहुत अच्छी चीज़ आपके। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट आप डिलीवर कब करेंगे? अच्छा, मैं इसके हवाले से बिल्कुल बता देता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2024 हम इंशाल्लाह इसको डिलीवर कर देंगे। और जो चीज़ें अभी आप लोग देखेंगे वो चीज़ें अभी हमारे सामने वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप डे बाय डे इसके अंदर खुद ब खुद भी देख सकेंगे कि जो आपको फिजिकल अपीयरेंस होती है चीज़ों की। आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है, जज़ाकअल्लाह खैर आपका बहुत बहुत। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। और बिल्कुल मैं अपने व्यूवर्स जो लोग देख रहे हैं इसके अंदर उनको मैं बिल्कुल ये बात बोलना चाहूँगा, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेमार के अंदर ही मौजूद हैं, और मेमार के अंदर ये प्राइम लोकेशन कहलाती है, सेक्टर Y4 है जो कि टोटली कमर्शियल है, कमर्शियल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स बन रही हैं, बहुत सारे गोल्ड मार्केट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी यहाँ अंडर डेवलप है। और जब चीज़ें, जाहिर सी बात है, लोग इसको इंस्टॉलमेंट से पे करते हैं और चीज़ें अपनी एकमुश्त नहीं ले पा रहे होते, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत अच्छे प्राइजेस के अंदर, बहुत अच्छी कॉस्ट के अंदर, इस वक्त की मौजूदा हालात के अंदर आपको इस वक्त मुस्तफ़ा बिज़नेस सेंटर पे चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाएं, फिज़िकली देखें आके यहाँ पे बहुत चीज़ें, एक कैमरे के थ्रू देखना, पिक्चर्स के अंदर देखना, और एक फिज़िकली देखना जो कि आपकी खुद से देखी हुई होती है वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके फैसलों के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती हैं आपके फिज़िकली देखने के बाद। बहुत शुक्रिया, बाकी उम्मीद रहेगी आप लोग बिल्कुल हमारे पास तशरीफ़ लेकर आएंगे, हम लोग बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं आपकी सर्विसेज़ के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।